गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है ये जो बीए पार्ट टू में सेकंड पेपर है सोशल रिसर्च का, उससे संबंधित है। और यूनिट टू जिसमें बेसिकली बात की गई है सामाजिक शोध की वैज्ञानिक प्रकृति के बारे में, या हम यूँ कहें कि वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। तो इसी संदर्भ में आज का मेरा टॉपिक है सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। देखिए, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के बिल्कुल डेप्थ में जाऊं, कुछ बात करूं, बिल्कुल संक्षेप में जान लेते हैं कि वस्तुनिष्ठता का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, बिल्कुल सामान्य शब्दों में यदि कहें तो वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य ये है कि आप तथ्य आधारित और मूल्य रहित विश्लेषण करें, यही वस्तुनिष्ठता है। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि वस्तुनिष्ठता एक्चुअल में है क्या। देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, थोड़ा बहुत इमाइल दुर्खिम को कोट करते हुए हमें जान लेना चाहिए। आपको पता होगा कि इमाइल दुर्खिम ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। और इस पुस्तक में इन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक तथ्यों की बात करी है, लेकिन सामाजिक तथ्यों की जो बात इन्होंने की है उसका यदि विश्लेषण करें आप, तो हम पाते हैं कि बेसिकली इसका संदर्भ जो है वो वस्तुनिष्ठता ही है। सामाजिक तथ्यों के बारे में इन्होंने दो बातें करी थी, खास तरीके से दो विशेषताएं बताई थी कि सामाजिक तथ्य के अंतर्गत व्यक्ति के विचार करने के, कार्य करने के वे प्रत्येक तरीके शामिल हैं जो व्यक्ति के बाहर हैं और व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि सामाजिक तथ्य में दो खास बातें हैं, पहली बाह्यता और दूसरी बाध्यता। यही पहली बात इसमें से बाह्यता, ये वस्तुनिष्ठता पर पूरी तरीके से लागू होती है। सामाजिक वास्तविकता वस्तुनिष्ठ है और इसका अध्ययन इसी रूप में किया जाना चाहिए, ऐसी अपील वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा की जाती है। सामाजिक वास्तविकता का अस्तित्व स्वतंत्र है, यह व्यक्ति के बाहर है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो सामाजिक वास्तविकता पर मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक शोधकर्ता सामाजिक वास्तविकता के विषय में अपनी क्या निजी राय रखता है इससे वास्तविकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। यही वस्तुनिष्ठता का केंद्रीय पक्ष है कि आप तथ्य आधारित, अर्थात तथ्यों का तात्पर्य क्या है, तथ्य यथार्थ की अभिव्यक्ति होते हैं, लेकिन मूल्य क्या है, मूल्य रुचि की प्राथमिकताएं हैं, प्रेफरेंसेज ऑफ चॉइस हैं। तो आप वैल्यू फ्री फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दें, यही वस्तुनिष्ठता है। अब आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे कि सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता। देखिए, रिसर्च जो किया जाता है बेसिकली किसी भी फील्ड का रिसर्च हो, चाहे वो नेचुरल साइंसेस का रिसर्च हो या फिर सोशल साइंसेस का रिसर्च हो, रिसर्च बेहतर वही माना जाता है जो बिल्कुल एक्यूरेट सटीक विश्लेषण प्रस्तुत कर पाए और पूर्वाग्रह से मुक्त हो, यही शोध बेहतर माना जाता है। तो इसी संदर्भ में जो सामाजिक शोध है खास तरीके से, उसमें वस्तुनिष्ठता किस प्रकार से लाई जाए, क्या क्या बातें खास हों इसमें, ये ध्यान देने योग्य बात है। क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में तुलनात्मक रूप से
वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कर पाना कहीं ज़्यादा सरल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बात करते हैं फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ जो भी घटनाएं हैं वो अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। पहली बात, इन घटनाओं की व्याख्या प्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर देखकर किया जा सकता है। सेकंड चीज़ ये है कि इन घटनाओं में मापन किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। जैसे आप भौतिक विज्ञान की बात करें तो किसी भी वस्तु को उसके द्रव्यमान, मास, उसके भार अर्थात वेट, किसी चीज़ के टेम्परेचर, उसके वॉल्यूम इत्यादि के आधार पे आप उसके कुछ गुणों को बता सकते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और इसी के द्वारा आप एक सटीक व्याख्या प्रस्तुत कर पाते हैं, कारण और परिणाम को ढूंढ पाते हैं। लेकिन समाज शास्त्र में, खास तरीके से सामाजिक शोध में, ऐसा कर पाना कहाँ तक सही है ये बात ध्यान देने योग्य है। देखिए, कुछ खास बातें हैं सामाजिक वास्तविकता में जिनकी पहचान उन विद्वानों द्वारा की गई जिनका ये मानना था कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है और सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन ठीक उसी ढंग से किया जाना चाहिए जिस ढंग से अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में किया जाता है। देखिए, पहली बात ये है कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, इनके प्रकृति में कोई मौलिक अंतर नहीं है और यही यह पहला कदम है जो हमें वस्तुनिष्ठता की ओर ले जाता है। और डिटेल में समझिए थोड़ा बहुत क्या बातें हैं इसमें। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल हैं। ठीक इसी तरीके से सामाजिक घटनाएं भी प्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं, अर्थात सामाजिक घटनाओं को आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और ऐसी कोई भी घटना जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर पाते उसका, उसकी व्याख्या कर पाना तो संभव है लेकिन उसकी वस्तुनिष्ठ व्याख्या कर पाना शायद संभव नहीं है। तो ये बात ध्यान देने योग्य है। सेकंड चीज ये है कि हर प्राकृतिक घटनाओं के पीछे कुछ मैकेनिज्म काम करता है, कुछ यांत्रिकी काम करती है और मुझे लगता है कि सभी प्राकृतिक विज्ञानों के पीछे जो घटनाएं होती हैं उससे जुड़ी हुई जो यांत्रिकी है उसमें खास बात यह है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है और वो कारण क्या है, वो कारण बेसिकली उद्दीपन और परिणाम का एक संबंध है। आप कुछ भी स्टिमुलस देते हैं उसका आपको रिस्पांस मिलता है, यदि कोई रिस्पांस है स्टिमुलस डेफिनेटली है और स्टिमुलस है तो रिस्पांस डेफिनेटली है। जैसे आप पानी पे कोई स्टिमुलस देते हैं, आप उसको उद्दीपन देते हैं, जैसे पानी को आपने एक उद्दीपन दिया, एक स्टिमुलस दिया आपने कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप ले गए तो क्या होगा, इससे पानी जो है पानी नहीं रह जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा, अब वो बर्फ बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से आप स्टिमुलस चेंज कर लें, अब आप पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर पर ले जाएं, इट मीन्स आपने स्टिमुलस चेंज कर दिया, रिस्पांस चेंज हो गया, अब पानी क्या बन जाएगा, वो वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से सामाजिक घटनाओं में भी देखने को मिलता है, जिस प्रकार का सोशल फोर्स काम करता है उस तरह का रिस्पांस आपको दिखाई देने को मिलता है।
जैसे आप स्टिमुलस चेंज करते हैं और रिस्पॉन्स आपका चेंज हो जाता है। कुल मिलाकर के जो समाज का परिवेश होता है, जो सोशियो कल्चरल फोर्सेज होते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है सोशल रियलिटी के कंस्ट्रक्शन में। और यदि आप इस सोशियो कल्चरल फोर्सेस के प्रोसेस को समझ जाएं, तो आप डेफिनेटली एक ऑब्जेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। देखिए अगली बात क्या है, वस्तुनिष्ठता के विषय में खास तरीके से शोध के संदर्भ में, कि शोध कैसा होना चाहिए। शोध जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें, देखिए दो इंटरलिंक्ड कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। एक है वैलिडिटी, वैधता, और सेकंड है रिलायबिलिटी, दैट इज विश्वसनीयता। तो आपका शोध कैसा होना चाहिए, आपका शोध एक तरफ वैध होना चाहिए और वही इसके साथ ही साथ आपका शोध विश्वसनीय भी होना चाहिए। देखिए वैध का मतलब क्या है, वैलिड का मतलब क्या है, और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। वैधता का तात्पर्य ये है कि आपने जो भी डेटा कलेक्शन कर रखा है वो उस कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी कर रहे हैं उससे कॉम्पैटिबल होना चाहिए, उससे सुसंगत होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विश्वसनीयता का तात्पर्य ये है कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें यदि आप एक ही स्टिमुलस बार बार दें तो आपको रिस्पॉन्सेज बार बार एक सा मिले, अर्थात जब एक ही प्रयोग आप बारंबार करें, दोहराएं, तो उसमें आपको एक पैटर्न दिखाई दे, एक प्रतिमान आपको दिखाई दे। तो आप कह सकते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी शोध का कार्य कर रहे हैं वो विश्वसनीय हैं, क्योंकि प्रयोगों द्वारा आपने सिद्ध कर दिया कि एक समान स्थिति में परिणाम आपको एक जैसा मिलता है, इसे आप विश्वसनीयता कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी चीज क्या है वस्तुनिष्ठ अध्ययन में, कि आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने जो मूल्य हैं उन मूल्यों को रखते हुए शोध कार्य नहीं करना, क्योंकि यदि आप मूल्यों को रखते हुए शोध कार्य करते हैं तो आपका शोध गलत हो जाएगा। आपके मूल्य जो हैं, आपकी प्राथमिकताएं जो हैं, वो यथार्थ की अभिव्यक्ति अर्थात तथ्यों पे हावी हो जाएंगी। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और इस बात को समाज वैज्ञानिकों को ध्यान देने की विशेष जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि एक शोधकर्ता सिर्फ शोधकर्ता नहीं होता, एक शोधकर्ता एक सामाजिक प्राणी होता है, और उस सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका स्टेटस, उसका जेंडर, उसका रिलीजन, उसका कल्चर, उसका कास्ट, उसका क्लास, ये सारे सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स हैं ये आपके जो रिसर्च के एनालिसिस हैं उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो इन बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यदि हम वैज्ञानिक पद्धति को अपनाएं और खास तरीके से प्रत्यक्षवादी पद्धति, पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, जिसकी शुरुआत अगस्त कोंत द्वारा की गई थी और जिसे आगे इमाइल दुर्किन ने विस्तार दिया, को अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ मात्रात्मक घटनाओं को गुणात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए, और साथ ही साथ गुणात्मक घटनाओं को मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए हमें उपलब्ध प्रविधियों का यथासंभव सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।